मेरा नाम मुकेश पजौरी है, लोको पायलट मेल के पद पर कार्यरत हूँ। 31/10/2019 को रेलवे से सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। कौन सा ऐसा व्यवसाय होगा जिसमें आपको संपूर्ण भारत के मनोरम स्थानों का आनंद उठाने का मौका मिल सके। मेरे इस सफल आयोजन के पीछे मेरी पत्नी का पूरा हाथ है, क्योंकि हमें जब बुकिंग मिलता है, 2 घंटे पहले बुकिंग मिलता है, जब से वो हम तो हमारे कार्य कलापों में लग जाते हैं, पर साथ में उसकी भी वही ड्यूटी चालू हो जाती है कि वो पूरी 2 घंटे तक हमारे साथ लगी रहती है, जब तक कि हम घर से बेदार नहीं हो जाते। और सफर पर निकलने से पूर्व लोको पायलट को ये भी ज्ञात होना चाहिए कि जिस सेक्शन पे वो निकलने को है उससे वो भली भांति परिचित हो। इसमें सेक्शन में आने वाले हर स्टेशन, शहर की पहचान व अन्य बातों के अलावा अधिकतम चालान की गति भी शामिल है। इस 39 साल के सेवा काल में पत्नी और बच्चों का जितना सहयोग रहा है उतना शायद ही कहीं से मिले। और जिस रनिंग परिवार में नौकरी करी है मैंने, मेरे सारा स्टाफ मेरे साथ रहा, हर चाहे अच्छी घड़ी हो या बुरी घड़ी रही हो उसमें सब में मेरे साथ रहा है पूरी तरीके से, और पूर्ण सहयोग दिया उन लोगों ने भी, जिससे कि मैं एक सफल लोको पायलट के रूप में 39 साल की सेवा पूरी करके और सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। ये सब इन सब का सहयोग रहा है मेरे जीवन में, जो मुझे तकलीफ नाम की कभी कोई चीज़ ही नहीं आई। सच कहें तो ये एक नौकरी या काम नहीं, एक लंबा सा सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें रोज आपको अपने साहस और चरित्र का नया इम्तिहान देना होता है।
हमारे लोको पायलट की जो जिंदगी है उसका रोज जन्म होता है, रोज मृत्यु होती है। अच्छी चला रहा है तो अप्रिशिएट तो नहीं मिलता, पर अगर बुरी कुछ भी गलत ड्राइविंग करता है या कुछ भी हो तुरंत पनिशमेंट मिल जाता है उसको। उसका सेवा काल को भी नहीं देखा जाता कि इसने इतने अच्छे टाइम इतने टाइम तक इतना अच्छा काम किया, चलो ठीक है इसको इग्नोर करें। पर हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की गलती की कोई भी माफी नहीं है, तुरंत सजा का प्रावधान है। चौरी जी की जो नेचर है ना वो सबसे ज़्यादा पसंद आई हमें। हमेशा हंसमुख मस्त, रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी मस्त रहे, खुशहाल रहे, बस यही शुभकामना। घर से निकलते हैं तो पूर्ण रूप से एंजॉय के साथ मूड से निकलते हैं और एंजॉय करते करते ही गाड़ी चलाते हैं और एंजॉय करते करते ही वापस गाड़ी लेके आते हैं यहाँ तक, कहीं कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का। क्योंकि लोकबाग हमारे GNDSR में लिखा हुआ है कि अगर आपके दिमाग में कुछ कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ तो आप गाड़ी वर्क नहीं करें। पर मैं यहाँ का जितना भी जो कुछ भी होता है वो यहाँ का यहीं छोड़ के जाने के बाद जब लॉबी पे जाके ऑन ड्यूटी कर देते हैं हम, तो फिर लॉबी के हो जाते हैं और फिर इंजन और ड्राइवर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो दोनों एक दूसरे के लिए रहता, बाकी वो किसी के लिए भी नहीं होता। सेवानिवृत्ति के बाद जो है अब अभी तक तो क्या है बच्चों के लिए जिए और अब हम दोनों के लिए जिए। घूमना फिरना, इनको घुमाना काफी दूर तक, सुबह सो कर उठते हैं, पहले चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद पेपर वगैरह पढ़ के, पढ़ने के बाद जब ये सब फ्री हो जाते हैं उसके बाद दिनचर्या निपटाते हैं। दिनचर्या पूर्ण होने के बाद पूजा पर बैठते हैं, करीब करीब 1.25 से 1.5 घंटा रोज पूजा में एक ही स्थान पर बैठकर सारे पूजा पाठ करके कंप्लीट करके उसके बाद ही दोनों चाय नाश्ता करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद जो घर के दिनचर्या के काम होते हैं वो निपटाए जाते हैं। Thank you.
व्यवसाय की बात तो यह है कि बच्चा है ही, बच्चे के साथ ही व्यवसाय ही अगर हमको करना है तो व्यवसाय भी करेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। और रेलवे ने भरपूर तरीके से हमको साथ दिया, और इतना सब कुछ होने के बाद बड़ी बेटी मेरी स्विट्जरलैंड में है, छोटी बेटी अमेरिका में है, बेटा इंदौर, बेटा और बहू जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इंदौर के अंदर ही। तो ये सब इसी सेवा काल में रेलवे ने ही मुझे दिया है। बिना मांगे तूने भर दी झोली, बिना मांगे तूने भर दी झोली, सारी इच्छाएं कर दी पूरी, मेरी मेहनत रंग लाई है और आज रेलवे से मेरी विदाई है।